जमाबंदी पंचायत में सुधार करो, ऑनलाइन जमाबंदी पंचायत में सुधार करो, भ्रष्टाचार दूर करो, भ्रष्टाचार दूर करो। वहाँ देखिए आज 2,000, 3,000, 5,000 रुपया लेकर के परिमार्जन के काम को एक चीजी के चाल में धीमी गति में किया जा रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव स्टूडियोज को, मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में अभी भूमि सर्वेक्षण यानी कि जमीन सर्वे का काम शुरू हो चुका है, ग्राम सभाओं में इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। लेकिन इसी बीच लोग अपने जमीन का दाखिल खारिज करा रहे हैं, लोग अपनी जमीन का पेपर निकाल रहे हैं, लेकिन इसको लेकर मुजफ्फरपुर में भारी हंगामा शुरू हो गया है। किसानों ने आंदोलन छेड़ दिया है, किसान हंगामा कर रहे हैं और धरने पर बैठ गए हैं। किसानों का साफ साफ कहना है लूटा जा रहा है, 5,000 रुपए लिए जा रहे हैं ऐप में सही करने के नाम पर, बड़का खेल चल रहा है। किसानों ने साफ साफ कहा लूट मची है, बड़का खेल चल रहा है। इसी को लेकर आज मुजफ्फरपुर में किसान धरने पर बैठ गए और साफ साफ कह रहे हैं अचल कार्यालय में तो बड़का खेल हो रहा है, हर चीज में पैसे देने पड़ते हैं, हर चीज में कोई भी काम कराओ तो पैसे देने पड़ते हैं, किसान कहाँ से लाएगा पैसे। ऐसे में खूब गुस्से में है बिहार के किसान। आपको पता है कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो चुका है और मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ साफ कहा था कोई पैसे मांगता है, शिकायत करता है तो कार्रवाई होगी। लेकिन मुजफ्फरपुर में इतने किसान सड़क धरने पर बैठ गए हैं तो क्या कार्रवाई होगी, इसको लेकर भी हमारा सवाल रहेगा। लेकिन पहले आप देखें किस तरीके से किसान भीड़ से सैकड़ों की संख्या में किसान हैं और खूब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं। पहले वो वीडियो देखिए किस तरीके से किसान हल्ला हंगामा कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। जो आया है इस समस्या के अध्यक्षता कर रहे हैं, इसके संचालन कर रहे हैं एवं इसमें तमाम किसान मजदूर साथ ही नौजवान उपस्थित हुए। मैं अपनी ओर से उन्हें हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उन्होंने इतनी भारी भीषण गर्मी और भीषण वर्षा में भी उन्होंने अपना समय दिया है, इसलिए मैं अपनी ओर से उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। दोस्तों समस्या बहुत है और जो समस्या है, जो समस्या के लेकर जो मांग रखा गया है, जो देखिए आज से 50 साल पहले बहुत तरह के जमीन जो लिखा करके लोग कुछ नहीं समझता था, लिखा करके बहुत तरह के दस्तावेज आदमी घर में पड़ा हुआ है और आज उसके दाखिल खारिज के लिए लोग चक्कर मार रहे हैं। लेकिन ब्लॉक का जो स्थिति है, 50,000 रुपया देने के बाद भी अंचल से दाखिल खारिज की समस्या का निपटारा नहीं हो रहा है। जो सरकार के द्वारा जो किया गया, जो सारे दस्तावेज को, सारे जो भूधारी है जो रजिस्टर 2 में दर्ज है उनको बजाबते ऑनलाइन कर रहा था, एक एक खाता में 10-10 गो खेसरा की जमीन है, जो तमाम जमीन को नक करके 1-2 खेसरा के जमीन को ऑनलाइन करके तमाम जमीन को उसी जगह छोड़ दिया गया। और आज सरकार जो एक पोर्टल निकाली परिमार्जन पोर्टल, वह देखिए आज 2,000, 3,000, 5,000 रुपया लेकर के परिमार्जन के काम को एक चीटी के चाल में धीमी गति में किया जा रहा है, जिससे किसान मजदूर फटेहाल स्थिति में है और वो बेहाल हो रहा है, लोग बेचैन की ओर जी रहा है, कहाँ जाए हम, किसके पास जाए, जिस कारण से हमारी समस्या का निदान हो पावे। लेकिन आज जो स्थिति और परिस्थिति है, जो आज जो अधिकारी पदाधिकारी है, आज जो सरकार का मुखबिर लोग है, किसान मर रहा है, मजदूर मर रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है किसान की समस्या को। इसलिए तमाम समस्या है और यह बहुत जटिल समस्या है, हम लोगों को भी विभिन्न तरह की समस्या है। दाखिल खारिज में जो भ्रष्टाचार है, जो देख लीजिए, देखने को और कहने का बात नहीं है, जो दाखिल कराने जो किसान है उनका क्या हाल है, आज फटेहाल स्थिति में अपने पेट से काट करके, अपने दवा से काट करके, कपड़ा से काट करके अगर कोई मजदूर 1 कट्ठा या 2 कट्ठा जमीन खरीदता है, लेकिन दाखिल खर्च लेकर के अंचल में जाता है तो कहता है जय जमीन का की दस्तावेज पर आता है 50 लाख, तो कहता है 50 लाख रुपया देकर के आप जमीन खरीद सकते हैं और दाखिल खारिज के लिए आप 20,000, 50,000 रुपया नहीं दे सकते हैं। ये स्थिति मुसारी ब्लॉक की है, फटेहाल स्थिति है। इसलिए दोस्तों नौजवान, मैं तमाम लोगों से आह्वान कर, प्रमुख हो मुखिया हो, वो लोग भी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं। मुसारी में जो अवैध वसूली होती है उसका हिस्सेदारी प्रमुख भी खाता है और विधायक भी खाता है।
हर जगह जो लूट का धंधा बना हुआ है, हमको ऐसे प्रतिनिधि को भी सबक सिखाने का वक्त आने वाला है। हम बुलियान बोल रहे, हमारे विधायक हो, बहुत हम लोग उम्मीद से विधायक को चुने थे, लेकिन आज कई दिनों से हम लोग यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, मुसारी से लेकर लोगों की भागीदारी हो रही है, जनता किसान त्राहिमाम कर रही है। जिस नौजवान को हम लोग ने वोट दिया, आज उसकी क्या भूमिका है ये हम लोग सोचते हैं, तो ये चिंता खुद ब खुद हम लोगों को ग्लानी होती है कि इस आशा उम्मीद से अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, अगर वो खड़ा नहीं करता है तो ऐसे प्रतिनिधियों के साथ जनता का क्या सलूक होगा। हम अफसर के खिलाफ लड़ते हैं कि अफसर घूस लेता है, भ्रष्टाचार लेता है, लेकिन हमारा जनप्रतिनिधि भी घूस लेता है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये तो सच्चाई है, सब लोग जानते हैं। ये वो चिकदारी के काम देता है तो 35% 40% कमीशन चला जाता है, भाई क्यों? ये सब सवाल से लेकर के जो लूट भूत का भ्रष्टाचार है, उसके कारण हमारी मुसहरी की जनता के सबसे ज्यादा जो मुसहरी में आने के लिए अधिकारी लोग डरते थे कि मुसहरी नक्सलाइज का क्षेत्र है, बड़ा क्रांतिकारी जगह है, लेकिन आज मुसहरी में आने के लिए अधिकारियों को लाखों लाख रुपया घूस देना पड़ता है, कि हम जाएंगे वहां तो लाखों करोड़ों कमाएंगे, ये उल्टा हो गया। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने जो ठाना है और आज जो सवाल है जनता का, हम किसान की सुनील से हमारे जनता यहां की भागीदारी हो रही है, हमने चित्रकारी साथियों पर विश्वास कर रही है जनता, उसमें हम लोग खड़ा उतरने के लिए हमारे मुकेश जी और हमारे जो हमारे शंभू जी हमारे सरपंच है, हमारे चंद्रकेश जी दलित नेता है, हमारे भोला सभी लोग मुसहरी के जितने भी जागरूक नेता लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, सब लोग के अंदर ये सवाल है कि इस मुसहरी को सुधरना चाहिए। हमने परसों एक पोस्ट डाल दी, किन मांगों को लेकर ये जो किसान यहाँ इकट्ठे हैं, मुसहरी और आसपास के लोग हैं, इनकी मांग एकमात्र अगर माना जाए तो यही है कि सरकार जिन तरीकों से भ्रष्टाचार के माध्यम से गांव के लोगों को परेशान करने जा रही है, परेशान कर रही है, अगर सरकार इसका समाधान नहीं निकालती है, तुरंत जनता की आवाज़ के साथ वो खड़ी नहीं होती है, तो ये माना जाएगा आज की ये उपस्थिति और आज का ये धरना न सिर्फ खत्म होने वाला है बल्कि अनिश्चित काल तक चलने वाला है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो इन बातों को सुने, समझे, समाधान निकाले, अन्यथा ये जो जमावड़ा है ये जब खड़े होंगे तो सरकार इनके गुस्से में डूब जाएगी, सरकार का खात्मा हो जाएगा और सरकार आगे काम नहीं कर पाएगी, ऐसी स्थिति यहाँ के लोग पैदा कर देंगे, क्योंकि सरकार जनता के लिए है, जनता का दोहन करने के लिए नहीं है। क्या मुख्य मांग है? मुख्य मांग है मुसहरी अंचल का भ्रष्टाचार समाप्त हो, मुसहरी अंचल का भ्रष्टाचार समाप्त हो, बिहार विशेष सर्वेक्षण भूमि में कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे, इस दोनों पर सरकार अपना रुख स्पष्ट करे, कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके उस पर सरकार की क्या नीति है, चकबंदी न्यायालयों के आदेश पर सरकार की क्या नीति है, न्यायालयों में जो सिविल बात चल रहे हैं या न्यायालयों के सिविल बात के जो फैसला है उस पर सरकार की क्या नीति है, ये स्पष्ट हो। ये संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूँ, इससे संबंधित विस्तृत मांग पत्र मैं जिला पदाधिकारी को दे रहा हूँ धरने के माध्यम से, और अगर हमारे इस धरने के मांग का संज्ञान नहीं लिया गया तो मुसहरी प्रखंड का 10,000 पब्लिक 48 घंटे का आमरण अनशन और उसके बाद अनिश्चितकालीन घेराव करेगी। तो आपने देखा है किस तरीके से किसानों ने बताया है, किसानों ने क्या कुछ कहा है, बिहार में लूट मची है, 5,000 रुपए में काम हो रहा है, बड़का खेल चल रहा है, जमीन की रजिस्ट्री कराते हैं, दाखिल खारिज कराते हैं, उसमें पैसे लिए जा रहे हैं, 20,000 रुपए मांगे जा रहे हैं, बड़का खेल हो रहा है, जमीन सर्वे के नाम पर तो लूट मची है, किसानों ने साफ साफ कहा लूट मची है, लूट मची है भाई, लूट मची है, किसान खूब गुस्से में है। आपको पता है कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण यानी कि जमीन सर्वे का काम शुरू हो चुका है, ऐसे में लोग अपने
खतियान खोज रहे हैं, लोग अपना केवाला खोज रहे हैं, लोग अपना बंदोबस्ती पर्चा खोज रहे हैं और लोग इसको लेकर अचल कार्यालय जा रहे हैं, वहां से अपना अपना कागज निकाल रहे हैं, दाखिल खारिज करा रहे हैं। ऐसे में किसानों का साफ साफ आरोप है बिहार में लूट मची है, और जो अधिकारी हैं, जो अचल कार्यालय में अधिकारी बैठते हैं, वो लूट रहे हैं, हर चीज़ में पैसा ले रहे हैं, हर चीज़ में पैसा मांग रहे हैं। बिहार में लूट मची है, इसको लेकर किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर के समणाल लेके परिसर के धरना स्थल पर किसान बैठ गए और साफ साफ आरोप लगा रहे हैं। अब देखना होगा, क्योंकि हर कोई परेशान है, लेकिन मंत्री सामने आकर खुद कह रहे हैं कि अगर जिनकी जमीन जिनके नाम पर है और वो रसीद कटा रहे हैं, उनको पेपर नहीं देना होगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास पेपर नहीं है, जिनका केवाला नहीं है, जिनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, वो लोग जाते हैं तो उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, लोगों का गंभीर आरोप है। अब इस मामले पर क्या कुछ एक्शन होता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि मंत्री दिलीप जायसवाल साफ साफ कई बार बोल चुके हैं, कोई पैसा मांगता है तो मुझे कंप्लेन करो, अपना नंबर भी वो जारी कर चुके हैं। ऐसे में क्या किसानों की शिकायत मंत्री तक नहीं पहुंची? अगर शिकायत पहुंची तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कई तरह के सवाल हैं, लेकिन इस बीच जमीन सर्वे को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। हम आपको लगातार बता रहे हैं किस तरीके से जमीन सर्वे हो रहा है, और क्या कुछ आपके जो सवाल हैं उसको लेकर हम अपने जो है वकीलों से बातचीत करते हैं, इसके साथ ही साथ अधिकारियों से बातचीत करते हैं और आपको हर बात बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन जमीन सर्वे के बीच किसानों का बड़ा आरोप है। अब इस आरोप पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये तो हम इस पर हमारी नज़र रहेगी। आरोपों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है सरकार की, इस पर हमारी पैनी नज़र रहेगी। तो बैठ गया लाइफ डीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।